जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है छिलमिल और जैसे कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ देख रहे थे तो अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो मुग़ल साम्राज्य था वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था औरंगज़ेब के देहांत के बाद। तो मुग़ल साम्राज्य को दो तरह की थ्रेट्स मिली थी, एक तो एक्सटर्नल चैलेंजेस एंड दूसरा इंटरनल चैलेंजेस। एक्सटर्नल चैलेंजेस में हम लोगों ने देखा था अमीर शाह अब्दली एंड नदीर शाह, और इंटरनल चैलेंजेस में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो वीक रूलर्स थे आफ्टर औरंगज़ेब उनकी वजह से जो मुग़ल सल्तनत थी वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई थी। तो इसी के कंटिन्यूएशन में आज की जो हमारी वीडियो है वो है इंडिया ऑन द एव ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट पार्ट 3। सो लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर। अगर आप लोग ये वीडियोस अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको स्पेक्ट्रम बुक भी रिवाइज मतलब देखने के लिए गाइड करने के लिए मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा स्पेक्ट्रम को कवर किया हुआ है और जो कुछ बातें अगर स्पेक्ट्रम में नहीं भी है तो एडिशनल पॉइंट्स को भी कवर किया हुआ है। तो अगर आप ये स्टोरी की तरह लेके चलोगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहेगा। सो नाउ मूविंग ऑन टू द टॉपिक अगेन। सो कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर। हिस्टोरियंस के हिसाब से मुग़ल साम्राज्य का जो डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ था वो मेनली दो वजह से हुआ था, एक जो एम्पायर रिलेटेड था एंड दूसरा जो रीज़न रिलेटेड था। एम्पायर रिलेटेड मतलब जो आपसी मतभेद की वजह से कि मैं राजगद्दी पे बैठूंगा मैं राजगद्दी पे बैठूंगा, जैसे कि हमने पिछले वाली वीडियो में देखा था कि बहादुर शाह के मतलब जैसे उन्होंने अपने दोनों भाइयों को मार के राजगद्दी पे बैठे थे, दो साल तक घमासान युद्ध हुई जिसके बाद फाइनली वो राजगद्दी पे बैठे अपने भाइयों को मार के। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपनी जो सेना अपनी जो प्रजा है उनकी तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो निग्लेक्ट हो गई थी कहीं ना कहीं। तो इसी वजह से ये भी एक बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर के। और दूसरा है रीजन रिलेटेड। रीजन रिलेटेड के बारे में हम लोग आगे की स्लाइड्स में बहुत एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी मैं, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि रीजन रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या थे। कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर इज कैटेगराइज्ड मेनली इनटू टू पार्ट्स, एम्पायर रिलेटेड एंड रीजन रिलेटेड। द एम्पायर रिलेटेड और मुग़ल सेंट्रिक व्यू सीज द कॉज ऑफ डिक्लाइन विद इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द एम्पायर। जैसे कि मैंने कहा कि जब अपना ही खोटा सिक्का हो तो कोई क्या कर सकता है। जो मुग़ल साम्राज्य था वहाँ पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से इतने ज़्यादा होते थे कि भाई भाई का नहीं रहता है, तो इसी वजह से वो प्रजा को क्या देखेंगे। तो इसी वजह से इसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था डिक्लाइन के ऊपर। The region related views finds the cause of Mughal decline in the turmoil and instability in different parts of the empire. जब मुग़ल साम्राज्य अंदर से खोखला होता जा रहा था, जब उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बाहर अफवाहें फैल रही थी, तब जो बाहरी ताकतें थी जो रीजनल रूलर्स थे वो लोग समझ रहे थे कि यार ये इनसे अब कुछ होगा नहीं, अब हमें ये सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें अपनी जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो एम्पायर लोग हैं ये अपने ही यू नो पॉलिटिक्स में उलझ गए हैं, तो अभी हमारे देश की हमारे रीजन की रक्षा हमें खुद करनी पड़ेगी, वी हैव टू टेक आर ओन स्टैंड। तो इसी वजह से रीजन रिलेटेड जो नए नए रूलर्स हो रहे थे वो उभर के आ रहे थे। यहाँ पे कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था शिफ्टिंग एलिजियंस ऑफ जमींदार्स विच इम्पार्टेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिक्लाइनेशन ऑफ द मुग़ल एम्पायर। जमींदार्स जो औरंगज़ेब के ज़माने से थे मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले किया उन्होंने, क्योंकि ज़मींदार जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी अगर आप जॉब का देखते हो कि कैटेगरी वन ऑफिसर्स, कैटेगरी टू ऑफिसर्स और कैटेगरी थ्री लेवल ऑफिशियल्स, तो कैटेगरी वन ऑफिसर्स जो होते हैं वो हमेशा एक लेवल पे होते हैं, लाइक आईएएस, आईपीएस या फिर कलेक्टर लेवल ग्रेड वन ऑफिसर्स जो होते हैं। तो जो मुग़ल एम्पायर के साथ बैठते थे दे वेर ऑलमोस्ट ऑफ द सेम रैंक लाइक कैटेगरी वन, वो थे नोबल्स एंड ज़मींदार्स। ज़मींदार्स के पास बहुत सारे पैसे थे और पुश्तैनी ज़मीन थी। ज़मींदार्स दैट मीन्स कि पुश्तैनी ज़मीन रखने वाले, उनके पास अपनी पुश्तैनी दौलत थी, ज़मीन थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी अमीर थे और दे यू नो दे स्पेंट अ लग्जेरियस लाइफ। उन्हें वो सेम शान और शौकत मिलती थी जो एक मुग़ल एम्पायर को मिलती थी, मुग़ल राज को मिलती, राजा को मिलती थी। तो नॉट सेम बट ऑलमोस्ट इक्वल, वो लोग उनके साथ ही मतलब बैठते थे लाइक ऑलमोस्ट कैटेगरी वन ऑफिसर काइंड ऑफ थिंग।
तो टू क्लासेस शेयर द पावर ऑफ स्टेट्स अमंग द एम्पायर, द जमींदार्स एंड नोबल्स। नोबल्स जो थे, नोबल्स मतलब जो क्षत्रियस थे, दैट दे वेर कॉल्ड द नोबल्स। दे वेर ऑल्सो ऑफ द वेरी हाई रैंक कैटेगरी वन ऑफिसर्स, जो एम्पायर के बाद थे, दे वेर द जमींदार्स एंड नोबल्स, दे वेर द कैटेगरी वन ऑफिसर्स। ओके, दिस टू, दिस इज द जमींदार एंड दिस इज द नोबल। The zamindars were the hereditary owners of their lands who enjoyed certain privileges on hereditary basis and were known as rajas, thakurs, deshmukhs, etc. ये तो आप लोगों को पता ही है कि जमींदार्स क्या होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पुश्तैनी ज़मीन होती है, और जो मतलब हमारी सोसाइटी में, जैसे कि आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, ज़मींदार की एक बहुत नेगेटिव इमेज जो है वो पोर्ट्रे की जा रही है, क्योंकि वो लोग पीजन से बहुत ज़्यादा पैसे निकलवाते हैं, काम करवाते हैं। तो दिस काइंड ऑफ इमेज वॉज पोर्ट्रेड इन केस ऑफ ए ज़मींदार। तो ज़मींदार से एम्पायर्स खुश इसीलिए थे, जो मुगल साम्राज्य था वो खुश इसीलिए थे, बिकॉज इट वॉज अ गिव एंड टेक रिलेशन, क्योंकि ज़मींदार जो थे वो उनको पैसे देते थे, लाइक हफ्ता कलेक्ट करके देते थे, क्योंकि एम्पायर अब घर घर जा तो सकते नहीं थे कि भाई पैसे दे दो हमें, हमें हमारा लग्जरियस लाइफ बितानी है। तो एम्पायर को अपना जो लाइफस्टाइल थी वो मेंटेन करने के लिए उनको ऑब्वियसली बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती थी। तो अब वो घर घर जाके पैसे कलेक्ट तो कर नहीं सकते थे, तो उनका ये पैसे कलेक्ट करने का काम जो था वो ज़मींदार्स ईजी कर देते थे। ज़मींदार्स रेवेन्यू कलेक्ट करते थे पीजन से, और वो अपना शेयर जो है वो एम्पायर को दे देते थे। तो इट वॉज़ अ गिव एंड टेक रिलेशन। तो एम्पायर खुश थे, जो राजास थे वो भी खुश थे, ज़मींदार्स भी थे खुश थे, एंड क्योंकि ज़मींदार्स को ये परमिशन मिल जाती थी कि भाई तुम हमें अपना पैसा दे दो एंड तुम पीजन से जैसे काम करवाना है कराओ, वट एवर यू वॉन्ट टू डू डू। तो बेसिकली इट वॉज अ गिव एंड टेक रिलेशन। The zamindars occupied an important place in the empire because they helped in the collection of revenue and in local administration for which they maintained soldiers. जैसे कि एम्पायर्स की लग्जरियस लाइफ मेंटेन करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती थी, और ये पैसे ज़मींदार्स एम्पायर को देते थे, इसीलिए देयर वाज अ वेरी कॉर्डियल एंड गिव एंड टेक रिलेशनशिप। गुड, तो अब क्या हुआ, इसको एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। ये देखिए, इनको तो आप जानते ही होंगे, अंबानी, अंबानी जी को आप जानते हो, तो ही इज़ अ वेरी रिनाउंड मैन, सबसे रिच आदमी है, एंटीला है इनके पास, तो ऑब्वियसली ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट, तो इनको आप जानते हो। लेकिन इनके पास में जो बैठे हैं या फिर उनके सेक्रेटरी जो हैं, डू नो हिम, मोस्ट ऑफ द पीपल नो द सेक्रेटरी, ओके, वो न्यूज़ में भी रहते हैं एंड उनको जानते हैं। तो क्या होता है कि अगर आप किसी रिनाउंड पर्सन के साथ बहुत टाइम तक रहते हो एंड यू सी हिज सक्सेस, कि भाई ये बिजनेस करके इतना सक्सेसफुल अगर ये बन सकता है, तो यू वेरी इन्फ्लुएंस्ड हो, अगर मैं भी अपना ऐसा स्टार्टअप खोलूँ तो क्यों ना मेरा भी ऐसा हो सकता है। इसको एक और एग्जाम्पल के ज़रिए समझाती हूँ। तो जैसे कि चैनल्स वगैरह होते हैं, हम लोग चैनल्स में काम करते हैं, ठीक है, टीवी सीरियल्स वगैरह में, या फिर बिज़नेस वगैरह पकड़ लीजिए कि कोई बिज़नेस करते हैं, ठीक है, एक बिज़नेस में तीन जने काम करें, एक HOD है और बाकी सब सबॉर्डिनेट्स है। तो मान लीजिए वो बिज़नेस बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रहा है, ही इज़ अर्निंग अ ह्यूज सम ऑफ मनी। अगर वो CEO जो है, वो CEO 100 करोड़ रुपये की अर्निंग कर रहा है और सबॉर्डिनेट्स को 5 करोड़ रुपये मिल रहा है, लेकिन इक्वली सभी काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सबॉर्डिनेट्स के दिमाग में यही आएगा, क्योंकि मैं 5 करोड़ रुपए के लिए क्यों काम करूं, जबकि मुझे 100 करोड़ रुपए मिल सकता है अगर मैं खुद अपना स्टार्टअप बनाऊं तो। तो दिस काइंड ऑफ फीलिंग्स वर इमर्जिंग आउट एट दैट टाइम ऑल्सो। जो नोबल्स थे वो एम्पायर्स मतलब जो लोग थे, जो रीजन्स में जो रूलर्स थे, जो पावरफुल बंदे थे, उनके दिमाग में ये आ रहा था कि काम तो हम भी कर रहे हैं लेकिन नाम जो है वो एम्पायर का हो रहा है, एम्पायर के अंदर रह के हम क्यों काम करें जब हम अपनी अलग से कुछ बना सकते हैं। तो इसीलिए दे वर ट्राइंग टू मेक देयर ओन यू नो रीजन रिलेटेड थिंग। द बिगेस्ट फॉल आउट ऑफ द जमींदारी सिस्टम वॉज द रीजनल रॉयल्टीज वेयर एनकरेज। तो रीजनल लॉयल्टीज़ वेर एनकरेज, मतलब सब लोग चाहते थे कि वो अपनी अपनी जो सत्ता है, अपनी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन खुद की बनाए, ना कि एक एम्पायर के अंदर काम करे, बल्कि खुद अपना अपना अपने ही मालिक बन जाए। तो दे वेर लाइक अपने यू नो वो अपनी किसी के अंडर नहीं काम करना चाहते थे, एंड इट वॉज अ बिगेस्ट फॉल आउट ऑफ द ज़मींदारी सिस्टम, क्योंकि उनका सेल्फ रिस्पेक्ट, उनका जो ईगो है वो इतना बढ़ गया था, दे वेर नॉट रेडी टू कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द एम्पायर सिस्टम। सो डू यू वॉन्टेड योर ओन इंडिविजुअल शेयर्स।
Many local zamindars helped the nobility, the other powerful class within the empire, to take advantage of the weakness of the empire to carve out an independent kingdom for themselves. तो जहाँ पे ये मुगल एम्पायर जो है वो वीक पड़ रहा था, तो वो जो नोबल्स थे, जो जमींदार थे, उन्होंने वो नोबल्स जो थे, जो कैटेगरी वन ऑफिसर्स में कौन कौन थे एम्पायर के साथ, नोबल्स थे और जमींदार थे. तो नोबल्स लोगों ने, जमींदार लोगों ने नोबल्स को बोला, नोबल्स मतलब जो एम्पायर्स के साथ जो रहते थे, जो सत्तिया होते थे, लाइक जैसे कि अंबानी के साथ सेक्रेटरी है, तो सेक्रेटरी को बोला कि भाई तुम खुद अपना, हम लोग टीम बना लेते और अपना खुद का किंगडम बनाते, क्या एम्पायर के साथ तुम नौकरी कर रहे हो, हमारी अपनी क्लास से हम लोग अपना बनाते. तो दे टुक एडवांटेज ऑफ द वीकनेस ऑफ द एम्पायर एंड इट डिसाइडेड टू कार्व आउट देयर ओन किंगडम. तो इसी वजह से इट वॉज, इट कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द decline of the Mughal Empire and was a significant fallout in the zamindari system as well. Now second is rise of regional aspirations. जहाँ ज़मींदार्स को, नोबल्टीज़ को प्रेशराइज़ किया जाता जा रहा था कि भाई देखो तुम लोग, नोबल्टीज़ को सेपरेट कर रहे थे एम्पायर से कि भाई तुम लोग अपना खुद का बनाओ, क्या इसके अंदर काम कर रहे हो, खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर लो. वहाँ जो रीजंस थे, लाइक जट्स मान लीजिए, मराठास मान लीजिए, वो लोग तो वैसे ही शूरवीर थे, सिक्स मान लीजिए, तो वो लोग अपनी अपनी यू नो रीजन में अपना खुद का यू नो स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनकी अपनी अपनी डिमांड्स थी और वो अपनी अपनी स्टैंड वहाँ इमर्ज होते आ रहे थे, क्योंकि नहीं हम एम्पायर के अंदर काम नहीं करेंगे, हमें हमारी स्वतंत्रता अलग से चाहिए. लाइक जट्स हो गया, सिक्स हो गया, मराठास हो गया, दे वर ट्राइंग टू इमर्ज आउट, ऑल्दो दे फेल्ड, बट अगर वो कील मारेंगे मारेंगे तो ऑब्वियसली एम्पायर जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर तो पड़ेगा ही, क्योंकि एक बार कील पड़ेगा, दो बार कील पड़ेगा, तीसरी बार में तो गिरेगा ही, दो तीन बार में गिरा नहीं बट कमज़ोर बहुत पड़ा था. औरंगजेब रूल विटन्स पावरफुल रीजनल ग्रुप्स लाइक द जट्स, सिक्स एंड मराठास डिफाइंग द अथॉरिटी ऑफ द मुगल स्टेट इन देयर बिड टू क्रिएट किंगडम्स ऑफ देयर ओन. दे डिड नॉट सक्सीड बट ईच ऑफ देम influence the future course of the political events in their respective regions. तो इसी वजह से उन्होंने औरंगजेब के दौरान वो सक्सेस तो नहीं हुए, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा कमज़ोर डिक्लाइन की तरफ जो है एम्पायर को डिक्लाइन करने में बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन डाला. तीसरा नटशेल में अगर हम लोग देखें कि क्या कॉज थे डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर का, इट वॉज पैसों की कमी है भैया, पैसे तो थे ही नहीं उनके पास, क्योंकि जो रूलर्स थे वो अपने ऐश परस्ती में इतने बिजी थे कि पैसे खर्च ही खर्च हो रहे थे, स्पेंडिंग ज़्यादा थी, अर्निंग्स कम थी, जिस वजह से उनकी जो तिजोरियाँ थी वो खाली हो जा रही थी. दैट वॉज रफली अगर हम लोग कहें तो. The number of amis and their ranks or manships has increased sharply over time. There was little land left to be distributed among them as jagirs. तो पहले एक तो ज़मीन नहीं थी, तिजोरी में पैसे नहीं है, तो किसकी कौन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, खर्चा इतना हो रहा था, इनकम हो नहीं रही थी, ऊपर से नए नए टेक्नोलॉजीज नहीं बन रहे थे जिसकी वजह से इनकम जो है वो आए, तो नए नए चीज़ों को प्रमोट नहीं किया जा रहा था, लोगों को सैलरी नहीं मिल रही थी. इट वॉज ऑल्सो ए सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, पैसे नहीं थे. तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ. थैंक यू.